गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइजन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। हमने अब तक डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमें स्टडी करनी है कि हाइजन थ्योरी, मेरे पास जो आपके पास 11th 12th है उसमें हाइजन थ्योरी आपने पढ़ी होगी वेव फ्रंट के लिए, नॉर्मल रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए। बट यहाँ पे जो हाइजन थ्योरी है वो है मेरे पास डबल रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर नॉर्मली एक रे की बात करिए, बोल रहे कि अगर एक कोई रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगी तो मेरे पास क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। मीडियम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ये मेरे पास किस में होता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन फिनोमेना में। अगर डबल रिफ्रैक्शन में बात करते हैं तो डबल फ्रिक्शन जो रिफ्रैक्शन है वो मेरे पास किस में हो रहा था, कैल्साइट क्रिस्टल में। और कैल्साइट क्रिस्टल में वहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास जब भी अनपोलराइज लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट आपके पास क्या होगी, क्रिस्टल के ऊपर फॉल हो रही थी, वहाँ पे आपके पास टू रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही थी, एक ई रे बोला था हमने, दूसरी क्या थी, ओ रे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो मेरे पास क्या होगा, डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कि डबल रिफ्रैक्शन किस में प्रोड्यूस हो रहा था आपका, कैल्साइट क्रिस्टल में, ठीक है। अब हमें हाइजन थ्योरी पढ़नी है कि हाइजन थ्योरी ने अजप्शन क्या दी थी डबल रिफ्रैक्शन के लिए। हम अगर फर्स्ट अजप्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये बोला है इसके अकॉर्डिंग जब अनपोलराइज लाइट क्या होगी, फॉल ऑन क्रिस्टल सरफेस, जब अनपोलराइज लाइट क्या होगी क्रिस्टल सरफेस पे या फिर कैल्साइट क्रिस्टल पे या फिर डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या होगी, फॉल होगी, तो मेरे पास क्या होगी, ये बोले जहाँ पे भी लाइट फॉल होगी वो क्या करेगा, उस क्रिस्टल का हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक न्यू सोर्स की लाइट के सोर्स की तरह काम करेगा। जब एक न्यू लाइट के सोर्स की तरह काम करेगा, इसका मतलब जितने जगह पे वहाँ पे लाइट फॉल हो रही होगी वहीं पे आपके पास क्या होगी, डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होगा, ओकर होगा। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा, जहाँ पे लाइट फॉल होगी वो क्या करेगा, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपके पास ई रे और ओ रे मिलेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब जैसे डायग्राम में देखिए, मेरे पास ये दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या, ये पी क्यों, ये क्रिस्टल है, ये मेरे पास ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस जो जनरल केस है, इसमें हम ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल लेके चल रहे हैं क्रिस्टल के, तो मेरे पास इस वजह से इन दोनों के बीच ये क्या आ गई, ऑप्टिक्स एक्सिस आ गई। अब मेरे पास लाइट आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट आ रही है आपके पास, ये मेरे पास दो पॉइंट पे फॉल हुई क्रिस्टल के, तो दोनों पॉइंट पे आपके पास ओ रे भी मिलेगी और ई रे भी मिलेगी, तो मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास क्या हो रही, पोलराइज लाइट आ रही जो ओ रे भी है और ई रे भी है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट है ए और बी, ये क्या करेंगे, एज ए सोर्स का काम करेंगे, या बोल सकते हैं एज ए न्यू सोर्स का काम करेंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट अजम्पशन है। अब हमने बोला इस अजम्पशन में कि आपके पास ओ वेवलेट्स मिल रहे हैं और ई वेवलेट्स मिल रहे हैं सेकेंडरी, तो पहले ओ वेवलेट्स की बात करें, ओ वेवलेट्स किसके क्रोस्पॉन्डिंग मिलेंगे, ओ रे के, ई वेवलेट्स मिलेंगे आपको क्रोस्पॉन्डिंग ई रे के, ठीक है। ये बोला जो ओ रे है उसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है हर डायरेक्शन में क्या होती है, ओ रे की सेम होती है। ये बोल रहा है कि ओ रे की वेलोसिटी है जो लाइट की हर डायरेक्शन में, जैसे मेरे पास लाइट है वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, जैसे पोलराइज हो गए, तो ये बोल रहा है उसकी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इस वजह से जो ओ रे है उसको डिफाइन करते हैं स्फेरिकल शेप में। तो मेरे पास जो डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो उसकी शेप क्या आएगी, उनके वेवलेट्स की जो शेप आएगी वो क्या बनी दिखेगी आपको, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो मेरे पास जो अंदर शो कर रखा है, ये मेरे पास ये ओ रे के लिए, यहाँ पे ये बार शो कर रखा है ये ओ रे के लिए, ठीक है। अब नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, उससे पहले अब हमने बोला अब ई रे में क्या होगा, ई रे में आपके पास क्या होगा, एलिप्सोइड मिलेगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में आपके पास जो वेलोसिटी है लाइट की वो सेम नहीं होगी, ठीक है। हर डायरेक्शन में आपके पास जो वेलोसिटी है लाइट की वो सेम नहीं होगी। अब मेरे पास दो केस आते हैं, एक आता है पॉजिटिव क्रिस्टल, एक आता है नेगेटिव क्रिस्टल। अगर मैं नेगेटिव क्रिस्टल की बात करूं, अब हमें कंपैरिजन करना है किसकी वेलोसिटी का, ओ रे की और ई रे की। ये बोले अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल की बात करेंगे, तो नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है, ई रे की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, ओ रे से। ई रे की वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है किससे, ओ रे से। तो ई की अगर ग्रेटर है तो ये क्या करेगा, ओ के आउटसाइड मूव करेगा। तो मेरे पास ये वाला जो एलिप्सॉइड है किसको शो कर रहा है, ई को। ई शो एलिप्सोइड में ही होगा ई वेवलेट्स, लेकिन वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे कि वो अंदर होगा या फिर बाहर होगा।
तो इस केस में मेरे पास नेगेटिव क्रिस्टल के केस में, नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जांपल आपके पास कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। तो ये बोला इसके केस में मेरे पास क्या होगा, ओ रे का जो एलिप्सोइड है वो क्या होगा, सॉरी ई रे का जो एलिप्सोइड फॉर्म हुआ है, एलिप्सोइड वेव फ्रंट आए, वेवलेट्स आए आपके, वो क्या होंगे, ओ रे के क्या मिलेंगे, आउटसाइड मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होगा, इससे अपोजिट होगा। पॉजिटिव क्रिस्टल में मेरे पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है लाइट की, ई रे की, ई रे के जो वेवफ्रंट आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, ओ रे से कम है, तो इस वजह से इसका एलिप्सोइड क्या होगा आपके पास, अंदर शो होगा ई रे का, ये मेरे पास क्या है, ई रे आपकी, ठीक है। और पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है आपका क्वार्ट्स, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो गए, ओ वेव फ्रंट हो गए आपके पास, ई वेव फ्रंट हो गए, कि मेरे पास क्या हो रहा है, हमने बोला था एज ए न्यू सोर्स का काम करेंगे, और वहाँ से क्या होगा आपके पास, और ई रे मिलेंगी मेरे पास, इसका मतलब वहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स मिल रहे, किसके, ओ रे के और ई रे के। तो हमने उनके जो वेव फ्रंट वेवलेट्स मिल रहे उनकी शेप बता दी, कि ओ रे की तो स्पेरिकल शेप होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है लाइट की, और ई रे की क्या होगी, एलिप्सोइडल शेप होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती। अब केस आया था आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल का, तो हमने डिफाइन कर दिया कि नेगेटिव क्रिस्टल में मेरे पास ई रे क्या होगा, ओ के आउटसाइड मिलेगी, पॉजिटिव में इनसाइड मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव में ई की वेलोसिटी ओ से ज़्यादा है और पॉजिटिव में ई की वेलोसिटी ओ से क्या आपकी कम है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट अजम्पशन। अब सेकंड, सेकंड अजम्पशन की बात करते हैं, इसमें क्या था, स्पेरिकल एंड एलिप्सोइडल वेव फ्रंट, ये बोले जो स्पेरिकल और एलिप्सोइडल वेव फ्रंट है कि मेरे पास क्या आ रहा है, ये स्फेयर फॉर्म में हो रहा है और एलिप्सोइड की फॉर्म में, जैसे ये शो कर रखा है, तो मेरे पास क्या होगा, स्पेरिकल आ रहे हैं और एलिप्सोइडल आ रहे हैं वेव फ्रंट। तो हमने एक चीज़ नोट की होगी कि ये क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे और ओ बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं। तो टच होने का मतलब है कि मेरे पास क्या होगा, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी के बेस पे डिफाइन कर रखा है, तो इसका मतलब ऑप्टिक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो ए और बी पॉइंट किस पे है, ऑप्टिक एक्सिस पे है इसके, या फिर यहाँ पे इसमें देखिए तो ए डैश और बी डैश, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास जो ई और ओ की वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वजह से क्या करेंगे, हमेशा ऑप्टिक्स एक्सिस पे एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। किस वजह से, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, मतलब जो ई वेव फ्रंट है या फिर ओ वेव फ्रंट है, ऑप्टिक एक्सिस पे क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे किससे, सेम वेव वेलोसिटी से, ठीक है। अब नेगेटिव क्रिस्टल का हमने बता दिया था, नेगेटिव क्रिस्टल ये बोला है मेरे पास क्या होगा, कैल्साइट क्रिस्टल एक एग्जांपल है नेगेटिव क्रिस्टल का। नेगेटिव क्रिस्टल में आपके पास क्या होगा, एलिप्सोइड क्या होगा, बार होगा और स्फीयर क्या होगा, इनसाइड होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका शो कर रहा है कि इसी से हमें पता चला था कि आपके पास जो वेलोसिटी है ई रे की क्या होगी, ग्रेटर होगी, और ओ रे की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी आपकी, लेस रहेगी। सेम केस दूसरे में मेरे पास पॉजिटिव क्रिस्टल में, पॉजिटिव क्रिस्टल का हमने एग्जांपल लिया है क्वार्ट्स का, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास स्फीयर क्या था, आउटसाइड था, और एलिप्सोइड क्या था आपका, इनसाइड था। तो ये आपके पास शो करेगा कि मेरे पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है ओ रे की क्या होगी, या फिर ओ वेव फ्रंट की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ई वेव फ्रंट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्टिक एक्सिस, दोनों केस में, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस पे और ई दोनों की वेलोसिटी आपके पास क्या रह रही है, सेम रहेगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये क्या होगा, मेरे पास इसकी अजम्पशन थी कि मेरे पास हाइजन थ्योरी की अजम्पशन क्या थी, डबल रिफ्रैक्शन के लिए। उसके बाद मेरे पास केस आएंगे कि मेरे पास जो लाइट है वो फॉल हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है या फिर ओब्लिक इंसिडेंस हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस के भी तीन केस आएंगे, ओब्लिक इंसिडेंस के भी क्या होंगे, तीन केस आएंगे। ये मेरे पास नॉर्मल और जो ओब्लिक इंसिडेंस करने हैं, ये आपके पास नेगेटिव क्रिस्टल के लिए करने हैं, मतलब आपको कैल्साइट क्रिस्टल के लिए करने हैं, ठीक है।